रिज्यूम अच्छा नहीं था, है ना। और सेकंड चीज कि मैं जब मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं करता था, कांटेक्ट करता था तो मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर पाता था, बोलता था ना तो बोलते बोलते अपने आप रुक जाता था, मतलब पता नहीं चलता था कि आगे क्या बोलना है कैसे बोलना है। मैंने जैसे ही वहाँ से ट्रेनिंग ली, मैं मतलब पता नहीं क्या हो गया ऐसा, पता था मुझे हर दिन कम से कम 10 से 15 मेल आते ही थे, हर दिन मेल या फिर कॉल, मेल या फिर कॉल। जैसे आप लोग सिखाते हो ना तो मतलब पता नहीं कैसे अलग टाइप से कि हम लोग इतने कॉन्फिडेंस भर जाते हैं और एचआर से सीधा डायरेक्ट कॉल करने या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 21 दिन में मतलब मेरा सारा कुछ डर खत्म हो गया था, जो हमें आसपास में इंग्लिश भी सिखाया जाता है कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है। मेरा जो रिज्यूम का शॉर्टलिस्ट होने का जो है वो 95% आसपास से हुआ है। अभी मैं अच्छे से एचआर से बात कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, मुझे लैपटॉप भी कंपनी से ही मिला है। अभी जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जिसकी जॉब अभी तक ना लगी हो। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे ही पढ़ के देखेंगे ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे पैसे तो कितने से थे, है ना। मतलब सारा कुछ जो भी मस्त रहा मेरा और अभी जॉब भी मिल चुकी है। आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन को इनवाइट किया है, क्योंकि इनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो कि आप सुन के बड़े हैरान होंगे। बेसिकली हमारे आसमा करियर के स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमारे आसमा करियर से 21 डेज की ट्रेनिंग ली अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल फोन से। आफ्टर दैट इनका सिलेक्शन हुआ वर्क फ्रॉम होम करें। तो यूजली जो आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आते हैं ना कि सर हमें रिवर्ट नहीं आते कंपनीज के, इनके साथ केस उल्टा है। इनका कहना है कि इनके पास रिवर्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया कि अभी मैं सिलेक्ट हूं तो मुझे जरूरत नहीं है, रिवर्ट आ रहे हैं लगातार, है ना। तो आप सब जानते हैं ऑलरेडी कि वैसे आसमा करियर के प्रोग्राम के थ्रू अभी तक सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका टॉप कंपनीज के अंदर, बिकॉज उसमें हम ये सारी चीजें सिखाते हैं। तो इवन आप भी गाइस इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो, अपने घर पे बैठ के 21 डेज की वो ट्रेनिंग ले सकते हो अपने मोबाइल फोन से। इसकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा जिससे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। खैर आज हम इनसे यहाँ पे ना थोड़ी इनकी जर्नी जानेंगे, कैसे इनकी जर्नी रही, क्या क्या सीखा, कैसे इनको रिवर्ट्स पे रिवर्ट्स आ रहे हैं लगातार हर चीज। तो पूरा ध्यान से आप लोग समझना, और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सो यस एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट आशिक विद अस, जो कि हमारे आसमा करियर के स्टूडेंट रह चुके हैं। इन्होंने आसमा करियर से ट्रेनिंग ली थी 21 डेज की, आफ्टर दैट अभी इनका सिलेक्शन हो गया और इनको वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया। सो आशिक, सबसे पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशन करता हूँ मैं आपको आपके सिलेक्शन के लिए, और बहुत स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल पे अपनी जर्नी शेयर करने हैं, सो वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू आसमा के ऑल जितने भी मेंबर हैं, मतलब मुझे अच्छे से इतना अच्छे से गाइड किया, है ना। और रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा जो naukri.com पे मेरा प्रोफाइल था ना, वो 1900+ सर्च रिजल्ट में आ चुका है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, मैं आपको दे दूंगा। तो मतलब मैं तो, क्योंकि पहले तो मेरा सर्च रिजल्ट में आता ही नहीं था, है ना। और मुझे अभी भी रिक्रूटर्स के मेल आते हैं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपने जो प्रोफाइल है उसको ऑफ कर दिया है, वो अब सर्च में नहीं आता है। बट मतलब मैंने जैसे ही वहाँ से ट्रेनिंग ली, मैं मतलब पता नहीं क्या हो गया ऐसा, अलग से ही मतलब सिखाया जाता है। तो मेरा जो वहाँ पर जो रिजल्ट है ना, वो सर्च काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने लगे वहाँ से। पर मेरा इसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा लोकेशन मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से मुझे अभी तक मतलब जॉब मिलने में देरी हुई है। ठीक है, तो मतलब ये तो लोगों से उल्टा हो गया। यूजली आशिक लोगों को तो दिक्कत आती है कि हमें रिवर्ट नहीं आता, और आप कह रहे हो कि मुझे तो बहुत ज्यादा आ रही इसलिए बंद कर दिया। हाँ सर, हाँ मतलब मेरा लोकेशन मैच नहीं करता था, मुझे हर दिन कम से कम 10 से 15 मेल आते ही थे, हर दिन मेल या फिर कॉल, मेल या फिर कॉल। तो ये सारा ट्रेनिंग के बाद हुआ है? हाँ, ट्रेनिंग के बाद हुआ है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आशिक मैं चाहता हूँ आप थोड़ा ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन एंड ऑल। हाँ, सो एवरीवन, माय नेम इज आशिक, आई एम 20 इयर्स ओल्ड, आई लिव इन झांसी उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, एंड आई एम करंटली वर्किंग इन ट्रेवल यात्री एज अ ट्रेवल एडवाइजर। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे आपके वर्क के बारे में जानना चाहूंगा, अभी आप जिस कंपनी में है तो मतलब क्या आपका डे टू डे काम रहता है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कंपनी में कैसा चल रहा है आपका? मेरा जो ज्वाइनिंग डेट था वो 5 दिसंबर था, अभी इसी मंथ में। सो मेरा तब से मेरा ट्रेनिंग था, ऑलमोस्ट 12 डेज का होगा ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद हमारा जो वर्क स्टार्ट हुआ है वो 15 दिसंबर से, है ना। तो हमारा यहाँ पर जो वर्क रहता है वो जो भी मालदीव्स वगैरह पे घूमने जाते हैं लोग, उनकी फ़्लाइट वगैरह बुक करना, उनको रिजॉर्ट वगैरह सजेस्ट करना, एंड जो भी वहाँ पर साइट सीन होते हैं ना, उनके लिए क्या प्राइस है, है ना, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें जो PDF होते हैं हमारे पास उनको एडिट करके हमें कस्टमर के लिए शेयर करने होते हैं। फिर यदि कस्टमर बोलता है कि हमें कुछ अपनी अलग से रिक्वायरमेंट है, उसको अलग से कुछ साइट सीन चाहिए, तो उस हिसाब से हम उनको एडिट करते हैं। इसके लिए हमें लीड भी कंपनी से ही दी जाती है, तो उस लीड पे हम लोग कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद जैसे उनकी रिक्वायरमेंट जो भी होती है, हम उनको उस उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से PDF शेयर करते हैं, एंड जैसे वो करते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से हम उनको हैंडल करते हैं।
तो वर्क एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है कंपनी में अभी तक सर, आपका? मुझे लैपटॉप भी कंपनी से ही मिला है अभी, तो मतलब ओवरऑल मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है मेरे हिसाब से। मैं नोएडा गया था, ओ सॉरी, हाँ मेरा, हाँ जो यस यस प्लीज कंटिन्यू। मेरा जो ऑफिस है वो गुड़गांव में अवेलेबल है, तो मैं वहाँ पर मैं गया था, तो मतलब मेरा सारा कुछ ओवरऑल सही है एक्सपीरियंस में। चलो तो अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो फिर हाँ अभी, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा आशिक आपसे जानना चाहूंगा आपकी आसमा करियर्स की जर्नी, मतलब वो जो 21 डेज की जर्नी थी वो कैसी रही, क्या चीजें आपने सीखी, कैसा लगा आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस? हाँ सर, मतलब मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक कहूँ कि एकदम मस्त रहा मेरे लिए, तो क्योंकि देखो मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मेरा रिज्यूम अच्छा नहीं था, है ना, और सेकंड चीज़ कि मतलब मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं करता था, कांटेक्ट करता था तो मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर पाता था, तो मेरे पास जैसे एक दो बार कॉल, मैं जैसे अप्लाई करता था ना तो किसी का कॉल आता था, तो मतलब ऐसे ही मैं पहली बार ही मेरे पास कॉल आया तो मैं अच्छे से बात ही नहीं कर पाता था, तो कोई नेक्स्ट बार मेरे से कॉन्टैक्ट ही नहीं करते थे HR वगैरह। तब से क्या हुआ कि मेरा लोकेशन, मैंने आपको बताया ना कि इतनी सारी जॉब के ऑफर मेरे लिए आए बट मेरा लोकेशन मैच नहीं कर रहा था। अभी मैं अच्छे से HR से बात कर लेता हूँ, है ना, और सेकंड चीज़ की मेरा लोकेशन है तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। तो कैसे जॉब सर्च की जाती हैं एंड सर्च करने के बाद कस्टमर HR से कैसे बात करनी है, ये सब मैंने अच्छे से सीखा है ना। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं, अभी दोस्त बने हैं लिंक्डइन पे जो कि TCS में वर्क करते हैं, उनको नहीं पता कि प्रोफाइल कैसे बनाना है और रिज्यूम कैसे बनाना है ना। मैंने उनको बताया था कि ऐसे रिज्यूम और प्रोफाइल ऐसे एडिट कीजिए। चलो बहुत बहुत ही प्राउड हो रहा है मुझे, और इवन आपको भी हुआ होगा जब आपने उनको ये चीज सिखाई होगी। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है ना, जो आपने एक जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि अब आपके पास कॉल्स ज्यादा आते हैं, आपको वो बंद रखना पड़ रहा है पोर्टल, हाँ। कि अब आपको ज्यादा कॉल्स नहीं। तो देखो जहां आशिक हमें पता है जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं सबसे पहले कड़ी होती है जॉब की रिज्यूमे, है ना, उसमें ही मैक्सिमम लोगों को गलती होती है वो उनके CV शॉर्टलिस्ट नहीं होते। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ आसमा की वो जो 21 डेज की जर्नी थी उसने रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करवाने में कितना हेल्प किया, क्या चीजें आपने वहां से सीखी? सर देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा और मेरा जो रिज्यूम का शॉर्टलिस्ट होने का जो है वो 95% आसमा से ही हुआ है, क्योंकि 1-2% तो मतलब 5% तो हो ही जाता है कहीं भी, कोई भी इतना तो कर देता है ना, बट 95 जो रिजल्ट रहा वो आसमा से ही रहा। क्योंकि मेरा देखो रिज्यूम बना ATS फ्रेंडली, आपने बताया था जैसे कि रिज्यूम और मेरा प्रोफाइल मैंने आपके जैसे ही बनाया था, तो मतलब काफ़ी अच्छा रिज्यूम देख के भी मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मेरी प्रोफाइल को भी अच्छा देख के मतलब सारा कुछ जो भी है मस्त रहा है मेरा, और अभी जॉब में मिल चुकी है। ठीक है। अच्छा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और है, आपने देखा होगा ना मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं आशिक कि कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, इवन जब भी हम किसी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं कम्युनिकेशन बहुत मायने रखती है। तो क्या लगता है वो जो ट्रेनिंग थी 21 डेज की उसने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में कितना हेल्प किया? हाँ सर, मतलब कम्युनिकेशन तो आप देख सकते हैं कि मेरा मतलब हो गया है जॉब, तो फिर बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बट हाँ यस, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादातर चीजों को पता नहीं होता है हमें कैसे इससे बात करनी होती है, बट उसमें हमें एकदम जीरो लेवल से सिखाया जाता है कि हमें कैसे बात करनी है, फर्स्ट टाइम कैसे बात करनी है, यदि हमें HR का रिपोर्ट आया तो फिर कैसे बात करनी है, ईमेल कैसे लिखना होता है एंड व्हाट्सएप पर मैसेज कैसे करना होता है ना, ये सारा कुछ अच्छे से सिखाया जाता है। अब ये हमें जब सब कुछ आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही बढ़ भी जाता है वैसे भी, और है ना। राइट बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ आशिक आपसे, इंटरव्यू का फोबिया, यू नो मतलब मैक्सिमम जब भी खासकर जब कोई फ्रेशर होता है ना तो एक मन में बड़ा डर होता है कि यार पता नहीं रिक्रूटर वहां पे क्या सवाल पूछेगा, करेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो क्या लगता है वो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी 21 डेज की जर्नी में उसने कितनी हेल्प की इंटरव्यू को करेक्ट करने में? देखो सर, मतलब मैंने जब पहली बार इंटरव्यू दिया था तो वो इंश्योरेंस कंसल्टेंट मतलब IC जैसे बोलते हैं एजेंट का, तो उसमें कोई इतना कोई फर्क मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आपको अच्छा कुछ आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर right. हाँ वो कोई फुल टाइम जॉब नहीं था, ऐसे एजेंट का जॉब था, बट इंटरव्यू के लिए बात करें तो मैं वहीं से सब कुछ सीखा हूँ, आसमा करियर से सीखा हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि बोलता था ना तो बोलते बोलते अपने आप रुक जाता था, मतलब पता नहीं चलता था कि आगे क्या बोलना है कैसे बोलना है, मतलब एक अंदर से डर रहता था कि कोई कुछ कहना दे हमसे, HR कैसे बात करेगा, हम उससे बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना, ये सब काफ़ी सारी मतलब मेरे अंदर डर रहते थे ऐसे, पर मैंने कोर्स किया तो हाँ मैंने 21 दिन में मतलब मेरा सारा कुछ डर खत्म हो गया था। अब बस मुझे ये मेरे अंदर ये था कि बस जॉब मतलब HR से बात कब मिलता है HR बात करने के लिए, मतलब पहले मैं डरता था और बाद में ये हो गया था कि अब जितने भी HR मिले मैं सभी से बात करता था, है ना, बस दिक्कत मतलब okay. हाँ बात ये थी कि मतलब मेरा लोकेशन मैच नहीं कर रहा था।
ठीक है समझ गया मैं। अच्छा एक चीज और होती है, कोई जब आशिक आप 21 डेज की ट्रेनिंग में आए थे तो उस टाइम की कोई मेमोरी जो आपको याद आती है, जो सबसे अच्छा लगा हो कि हाँ यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। हाँ सर मैंने मतलब और भी जगह जैसे कई बार वेबिनार मतलब कई ज्वाइन किए हैं, है ना, जैसे कि मेरी अभी भी ट्रेनिंग हुई थी तो मुझे एक चीज जो अच्छी लगी वो हिंदी में सारा कुछ होता है, क्योंकि हम पता है कि हम लोगों को ज्यादातर इंग्लिश नहीं आता है इतने ज्यादातर, है ना, अभी तो आने लगा है, बट पहले जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि जो हमें आसमान में इंग्लिश भी सिखाया जाता है कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, तो इसके पहले हम हिंदी में मतलब इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं होते हम लोग, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने और जो सर थे ना सबने मतलब हिंदी में ही बात की तो हम लोगों को अच्छे समझ में आता है वो चीज़, है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और ठीक है Yes, please continue. हाँ और मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब जैसे आप लोग सिखाते हो ना तो मतलब पता नहीं कैसे अलग ही टाइप से कि हम लोग इतने कॉन्फिडेंस भर जाते हैं और कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं एकदम, एचआर से सीधा डायरेक्ट कॉल करने या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एकदम अमेजिंग रहता है ये सब। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ आशिक ऐसा कैसे होता है, जब हम कोई काम एक अच्छे विजन से करते हैं ना तो चीजें सही ट्रैक पे हमेशा जाती है, तो ये इसका रीजन है। खैर अच्छा एक सवाल हो रहा है आशिक, 21 डेज की ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो आप फेस कर रहे थे जिसकी वजह से जॉब नहीं आपको मिल रही थी? हाँ देखो मेरा पहला तो इंग्लिश था एंड दूसरा लोकेशन का तो ऐसा था कि कोई इशू नहीं था, लोकेशन तो मैं मतलब कि रिलोकेट भी कर सकता था, मैं एचआर से ना तो कॉल पे बात ही करता था ना व्हाट्सएप पे, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता था कि वो पता नहीं क्या कहेंगे मुझसे, कैसे बात करेंगे, है ना, मतलब एक डर सा रहता था अंदर से। और सेकंड चीज़ कि मैं इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं था, है ना, तो जो सर ने बताया था कि कैसे कैसे इंप्रूव करना है इंग्लिश को तो मैं वही अभी भी वो सब फॉलो करता हूँ, है ना, तो उसमें क्या है कि मेरा काफ़ी अच्छा इंग्लिश भी इंप्रूव हो गया है, इंट्रोडक्शन तो मैं पहले उतना अच्छा नहीं दे पाता था इंग्लिश में, है ना, और अभी में क्योंकि हमारा जो वर्क होता है वो इंटरनेशनल होता है तो इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है ज़्यादातर कस्टमर से। ओके हाँ तो मतलब मैं सारा कुछ कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं आता है इसमें। चलो बहुत बहुत ही खुशी सुन के। तो आशिक सबसे सबसे बेस्ट चीजें आपको क्या लगी आसमा प्रोग्राम की, सबसे बेस्ट चीजें? सर मतलब मैं ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ क्योंकि काफी सारी चीजें हैं और है ना, बट देखो एक दो चीजों के लिए तो बता सकता हूँ कि जहां तक मुझे लगता है ना मतलब एकदम बेस्ट वो है वो आपका सिखाने का तरीका लगता है मुझे कि हम लोग सीख जाते हैं, क्योंकि सिखाते तो काफ़ी सारे लोग हैं, है ना, आप YouTube पे देखेंगे कहीं भी देखेंगे तो सिखाने वालों की कमी नहीं है, बट ऐसा सिखाने वाला होना चाहिए जो हमें एकदम लाइटली एकदम तुरंत की तरह सीखते जाएं हम उसको। राइट right, ठीक हाँ। है अच्छा एक और चीज हो गया आशिक, आपने देखा होगा जैसे आपने आसमा करियर ज्वाइन किया बट और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं मार्केट में जो इस तरीके से सिखाते हैं, तो आपने आसमा करियर ही क्यों चुना? सर मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इसके बारे में कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, कोई मुझे रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की तो मुझे जहाँ तक लगा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो आसमा करियर ही पूरी कर सकता है, तो मैंने इसलिए चुना था। ठीक है डन। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई आशिक। अच्छा एक लास्ट में, क्योंकि आपने मल्टीपल कंपनीज के इंटरव्यूज दिए हैं तो आप अपने थोड़ा एक्सपीरियंस से बताओ आशिक, आपको क्या लगता है कि आजकल इंडस्ट्री में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, वो कहाँ गलती कर रहे हैं और वो क्या चीज़ सुधारें जिससे कि उनके सिलेक्शन होने लग जाए? सर इसमें देखो मैं तो कहता हूँ आसमा करियर का कोर्स ज्वाइन करो, बट यदि नहीं कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो देखो सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है कॉन्फिडेंस। मैंने TCS में भी इंटरव्यू आई थिंक दिया था तो उसमें देखो मेन चीज़ क्या होती है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है वो कॉन्फिडेंस मांगते हैं, है ना, तो कॉन्फिडेंस यदि आप आसमा करियर ज्वाइन करते हैं तो सिंपल सी बात है बढ़ ही जाता है, HR से बात कैसे करनी होती है, जॉब पाने में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ होती है वो आजकल जैसे ज़्यादातर इंग्लिश चलने लगी है और इंग्लिश के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस, है ना, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। राइट तो मेरी तरफ से तो क्वेश्चन सारे खत्म आशिक, आपने काफी सारी चीजें बताई। अच्छा एक लास्ट बस क्वेश्चन हो रहा है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार इतना कम प्राइस है, पता नहीं कोर्स कैसा होगा, वर्थ होगा कि नहीं होगा, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो मेरे हिसाब से तो कोई प्राइस है नहीं इसका, है ना, जो पढ़ाते हैं उस हिसाब से जो रुपए है ना वो कुछ नहीं लगता मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे ही पढ़ के देखेंगे ना आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे पैसे तो कितने से थे, है ना, क्योंकि सिर्फ सिखाते नहीं है ना, सिखाने के साथ साथ एक ही चीज़ नहीं सिखाते कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, रिज्यूम हुआ, ईमेल राइटिंग कैसे करनी है ना, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, और ऐसा नहीं इतना भी नहीं, और इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी से रिवॉर्ड भी आता है, वो भी आसमा के द्वारा, मेरे पास भी रिवॉर्ड आए थे आसमा से, है ना, तो उसमें मेरा प्रॉब्लम जो लोकेशन का हो गया था,
तो मतलब मेरा लोकेशन मैच नहीं कर रहा था, तो मतलब मेरे हिसाब से सारा कुछ एकदम मस्त रहता है, ओवरऑल सब कुछ ठीक है। ठीक है सो आशिक, काफी सारी चीजें आपने बताई और मेरी भी यही विशेष है कि आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े। एंड अभी लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को, आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। हाँ, देखो मैं जाना तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, है ना। पहली बात तो जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जिसकी जॉब अभी तक ना लगी हो, है ना। फिर भी यदि जो लोग हैं जिनको जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो सीधा सा मतलब देखो इसमें ये रहता है कि आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एंड सेकेंड चीज़ आपकी कि कम्युनिकेशन स्किल और कन्वेंसिंग स्किल, है ना। यदि आप सेल्स में जाना चाहते हैं, ये सब आसमान में आपको अच्छे से सिखाया जाता है कि आपको किसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो और हाँ, यही सब रहता है, आपकी कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो फिर कोई सुनिए फिर। राइट सो आशिक, बस मेरी भी यही विशेष है, आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें, यहाँ पे आपका जल्दी से प्रमोशन भी हो, यही मेरी विशेष है। और मैं अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, सो थैंक यू आशिक एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि मतलब मुझे आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया, है ना जी। थैंक ओके, माय प्लेजर।